नमः संस्कृताय। साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 6 सुभाषितानि भाग 18। प्रश्न है, पर्याय शब्दई से मेलनम कुरुत। पर्याय शब्दई, पर्याय वाची शब्द जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सिमिलर वर्ड्स, साइनोनिम्स, तो उनका मिलान करना है। जैसे उद्यम है का मतलब होता है परिश्रम, तो इस लाइन में देखेंगे ये रहा परिश्रम। तो एग्जाम में लिखने का तरीका यह है कि उद्यम के सामने आपको परिश्रम लिख देना है, एकदम करेक्ट आंसर। या नंबर वन परिश्रम है। निवार्यते का मतलब दूर किया जाता है, समाधान किया जाता है, सॉल्यूशन किया जाता है, उसको बोलते हैं निवार्यते। तो यहां पर इसका सिमिलर वर्ड होगा निवारणम क्रियते, निवारण किया जाता है। प्रसिद्धति का मतलब प्रसन्न होता है, तो प्रसन्न होता है तो यहाँ पर देखिए प्रसन्न भवति, ये कर देंगे आप, क्या कर देंगे प्रसन्न भवति। फिर नेक्स्ट है उदीरित है। उदीरित का मतलब होता है कहा गया, तो इसका आंसर क्या होगा उक्त मीन्स कहा गया। नागाह, नागा का मतलब होता है हाथी, और इधर हस्तिने, हस्तिने का मतलब भी होता है हाथी, तो नागा से हस्तिने को हम मिलान कर देंगे। वहनी का मतलब अग्नि, तो यहां पर वहनी का अग्नि हो जाएगी। तुरंगा घोड़े, घोड़े का पर्यायवाची क्या होगा अश्वाह, क्या होगा अश्वाह। गृहीयते ग्रहण किया जाता है या प्राप्त किया जाता है, तो यहां पर प्राप्य थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वृक्ष है। वृक्ष का मतलब पेड़ और तरुहु का मतलब भी पेड़। फिर खरे, खरे का मतलब होता है गधा, तो गर्धव। एक बार फिर देखेंगे उद्यम है परिश्रम है, निवार्यते निवारणम क्रियते, प्रसीदति प्रसन्न भवति, उदीरित उक्त है, नागा हस्तिने वहनी अग्नि, तुरंगाह अश्वाह। गृह्यते मतलब प्राप्यते, वृक्ष है तरु, खर है गर्द है। इस प्रकार से हम पर्यायवाची लिखेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम कृते उचितम अर्थम चित्वा लिख। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित पदों के लिए उचित अर्थ चुनकर के लिखे। यहाँ पर उद्यमम कृत्वा नरे ने अवसीदति, अवसीदति जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है दुखम अनुभवति, यह आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है अपगमे, अपगमे का मतलब होता है समाप्ते है, तो ये आंसर हो गया समाप्ते। करी, करी का मतलब होता है हाथी, तो यहां पर गज है, आंसर हो गया, ठीक है। उहती, उहती का मतलब होता है निर्धारण करना, तो निर्धारयति, यह आंसर हो गया। देवात, देवात का मतलब भाग्यात, भाग्य से, तो क्या हो गया आंसर भाग्या। कहने का मतलब ये भी सिमिलर वर्ड है, देवात भाग्यात, उहती निर्धारयति। करी का मतलब हाथी, गजमित हाथी। अपगमे समाप्ते, समाप्ति अपगमे का मतलब समाप्त हो जाने का। और नेक्स्ट है अवसीदति, तो दुखम अनुभव, अवसीदति का मतलब दुख अनुभव करता है। तो इस प्रकार से हम आंसर लिखते हैं। धन्यवाद।